संभल जनपद के बहजोई थाना इलाके में बीते 7 अप्रैल को एक सरिया गोदाम के बाहर पड़ा सरिया अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस घटना में गोदाम के संचालक की तहरीर पर बहजोई थाने पर मामला दर्ज कराया था। आज संभल एसपी ने घटना का अनावरण करते हुए अंतर जनपदीय चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अफरोज अली, अता मोहम्मद, मुजाहिद, मुनाजिर सभी आरोपी रामपुर जनपद के रहने वाले हैं। सभी आरोपी रामपुर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पकड़े हुए आरोपियों से 28 कुंतल लोहे की सरिया बरामद की है। चोरी की घटना में शामिल ट्रक भी बरामद किया। पकड़े गए अफरोज से एक तमंचा तथा अता मोहम्मद से चाकू बरामद किया है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये 7 तारीख की रात्रि को थाना बैजोई के अंतर्गत एक वेयरहाउस से सरिया चोरी हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख के आसपास थी। उस संबंध में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम का गठन किया गया। उसमें आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अफरोज अली, अता मोहम्मद, मुजाहिद और मुनाजिर। इनके पास से 28 क्विंटल सरिया बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ है और इनके पास एक तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्त अफरोज अली और अता मोहम्मद का पूर्व का आपराधिक इतिहास जनपद रामपुर का है। उक्त प्रकरण में इनके गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इन पे आगे विधिक कार्रवाई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।